तो गाइस यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत ही खतरनाक मालवेयर के बारे में जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसका नाम है स्कोबार मालवेयर। तो आखिर ये मालवेयर क्या है, आपके फ़ोन में कैसे आता है, ये किस तरह से काम करता है, आप इस मालवेयर से किस तरह से अपने फ़ोन को सेफ रख सकते हो, खुद को सेफ रख सकते हो, पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मालवेयर का सबसे जो बड़ी बात है वो है कि ये मालवेयर आपके फ़ोन के OTP को भी बाईपास कर सकता है। यानी कि अगर आपके फ़ोन में किसी भी अकाउंट का OTP आता है, कोई भी वन टाइम पासवर्ड आता है, इसको भी ये मालवेयर बाईपास कर सकता है। यानी कि आपके पास कोई भी UPI का OTP आता है या फिर आपके किसी अकाउंट का OTP आता है, तो उस OTP को या बाईपास कर अकाउंट को बहुत आसानी के साथ हैक कर सकता है। और भी कई सारे खतरनाक चीज़ें ये मालवेयर आपके फ़ोन में कर सकता है। अगर ये आपके फ़ोन में गलती से आ जाता है तो यह आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, आपके फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपके पूरे फ़ोन को मॉनिटर कर सकता है, यानी कि पूरी तरीके से आपके फ़ोन को ये मैनेज कर सकता है। चाहे आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो गई, आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, आपके SMS का एक्सेस हो गया, आपके फ़ोन के स्टोरेज का एक्सेस हो गया, ये सारा कुछ एक्सेस ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन से ले लेता है। उसके बाद आपके फ़ोन के कई सारी चीज़ों को ये हैक कर लेता है। और ये एप्लीकेशन ज़्यादातर उन एप्लीकेशन को टारगेट करता है जो कि आपके फ़ोन में बैंकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन है, यानी कि जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हो वाले जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इस तरह के जितने भी ऐप आप यूज़ करते हो जिसमें आपका बैंक अकाउंट ऐड है, आपका UPI ID आप यूज़ करते हो, आप अपना जो है UPI PIN डालते हो, तो इन सारे एप्लीकेशन को ये जो ऐप, ये जो मालवेयर है, ये ज़्यादा टारगेट बनाता है और इन सारे एप्लीकेशन से ही ये आपके बैंक को हैक करता है। दरअसल इस मालवेयर को बैंक अकाउंट हैक करने के नज़रिए से ही देखा जाता है, यानी कि ये स्पेशल बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए ये ज़्यादातर अटैक उन्हीं एप्लीकेशन पर करता है जो कि आपके फ़ोन में बैंक से रिलेटेड डिटेल रखते हैं। बेसिकली ये मालवेयर करता क्या है, जितने सारे आपके फ़ोन में बैंकिंग वाले एप्लीकेशन है, इन सारे बैंकिंग एप्लीकेशन का ये फिशिंग पेज बना लेता है आपके फ़ोन में ही। और जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, कहीं पर आपका UPI PIN की आपके ज़रूरत होती है, जहाँ पर आप UPI PIN डालते हो, तो उसका ये एक फिशिंग पेज बना लेता है जो कि सेम उसी एप्लीकेशन की तरह लगता है। अगर आपको फिशिंग पेज के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन अपने एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आखिर फिशिंग पेज क्या होता है। तो सिंपल ये वही करता है कि आपके उस UPI जो ऐप है उसका एक फिशिंग पेज बना लेता है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आप उसी एप्लीकेशन में एक फिशिंग पेज पर हो। उसके बाद जैसे ही आप अपना UPI PIN या फिर कोई भी ऐसा डिटेल डालते हो, तो वो मालवेयर उसे कैप्चर कर हैकर के सर्वर पर स्टोर कर देता है, जिससे कि हैकर आपके अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे खाली कर सकते हैं, जो भी वो पॉसिबल कर पाते हैं वो सारा चीज़ें वो करते हैं। और इसके साथ साथ ये बहुत से हैकिंग को एक्ट कर सकता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि आखिर ये आपके फ़ोन में आएगा कैसे, आखिर किस तरीके से ये आपके फ़ोन में आ सकता है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आ सकता है, जिससे कि काफ़ी सारे लोग के एंड्रॉयड फ़ोन में आया है। तो क्या ऐसा तरीका है जिससे कि आपके फ़ोन में आ जाता है, क्या ऐसा आप करते हो? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो मालवेयर है ये सिर्फ और सिर्फ APK के थ्रू आपके फ़ोन में आ सकता है। यानी कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बाहर से डाउनलोड करते हो, गूगल प्ले स्टोर के बाहर से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, तो हो सकता है कि ये मालवेयर उस APK में हो जो आपने ऐप डाउनलोड किया है, उसे आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे ये मालवेयर आपके फ़ोन में आ सकता है और ये सारी चीज़ें ये आपके फ़ोन में कर सकता है। तो इसके आने का यही एक रास्ता है कि आपको बाहर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो यह बाहर के डाउनलोड किए गए एप्लीकेशन या फिर किसी फाइल के थ्रू आपके फ़ोन में आ सकता है। और इस मालवेयर का पता लगाया है एक मालवेयर हंटिंग कंपनी McAfee ने, कुछ इस तरह का नाम है। तो इस कंपनी ने इस मालवेयर का पता लगाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। हालांकि इसी तरीके के बहुत से मालवेयर पहले से ही इंटरनेट पर हैं, हैकिंग की दुनिया में इस तरह के काफ़ी सारे मालवेयर पहले भी आ चुके हैं जो आपके बैंक अकाउंट को हैक करते हैं, काफ़ी ख़तरनाक मालवेयर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है कि कोई भी एप्लीकेशन आप बाहर से डाउनलोड ना करो, कोई भी APK आप बाहर से इंस्टॉल ना करो, नहीं तो ये मालवेयर आपके फ़ोन में आ सकता है। और ये जो मालवेयर है आपके फ़ोन के कैमरों को पूरी तरीके से एक्सेस करता है, आपका फ़ोटो खींच सकता है, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, और ये आपके फ़ोन के कैमरे से आपका फ़ोटो भी कैप्चर कर लेगा, और ये आपके फ़ोन में जितने सारे OTP आते हैं उनको भी बाईपास कर सकता है, जिससे कि आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो उसे ये मालवेयर बहुत आसानी के साथ हैक कर सकता है। जो आपके पास बैंकिंग वाला OTP आता है या फिर कोई भी ऐसी OTP आती है उसे ये बहुत आसानी के साथ बाईपास कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर गलती से आपके फ़ोन में ये मालवेयर आ गया है, अगर आपको पता चल गया है कि आपके अकाउंट से पैसे खाली हो रहे हैं या फिर आपको शक है कि कहीं आपके फ़ोन में ये मालवेयर इंस्टॉल तो नहीं हो गया है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपके फ़ोन में ये मालवेयर आ जाता है तो आप कौन सा ऐसा स्टेप फॉलो करोगे जिससे कि आप इस मालवेयर से छुटकारा पा सको? तो दोस्तों इसके लिए बस एक ही रास्ता है, सिंपल आपको अपने फ़ोन के सभी डेटा को बैकअप कर लेना है। आपके फ़ोन में जितने सारे नंबर हैं, कॉन्टैक्ट हैं, फ़ोटोज़ हैं, इंपॉर्टेंट जो भी फाइल हैं
उन्हें आपको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल को पूरी तरीके से फैक्ट्री रीसेट करना होगा। उसके बाद ही आप इस मालवेयर से अपने फ़ोन को बचा सकते हो, अपने फ़ोन को सिक्योर कर सकते हो। वैसे इस मालवेयर से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।